आप सभी का स्वागत है ईएएस एजुकेशन में। यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस और आप लोग की स्कॉलरशिप पैसे को लेकर अच्छी खबर आ रही है, जहां पे आप लोग के पैसे कब तक भेजे जाएंगे इसको लेकर खुद समाज कल्याण विभाग की ओर से क्या बातें कही गई हैं, और साथ ही आप लोग के जो स्टेटस हैं वो सभी के काफ़ी तेज़ी के साथ अपडेट किए जा रहे हैं। तो आप लोग के फॉर्म में, चाहे आप लोग का फॉर्म डिस्ट्रिक्ट से पेंडिंग हो, चाहे आप लोग के फॉर्म को वेरीफाइड कर दिया गया हो, या फिर आप लोग के आधार कार्ड को लेके, आप लोग के बैंक डिटेल्स को लेके, आप लोग का अटेंडेंस, रोल नंबर, कोई भी समस्या आप लोग के स्टेटस में देखने को मिल रहा है, तो आप लोग के जो स्टेटस हैं वो काफ़ी तेज़ी के साथ अपडेट किए जा रहे हैं। क्या पूरी जानकारी है, सारी बातें आप लोग को विस्तार से बताते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। यहाँ पे आप लोगों ने जो टेलीग्राम पे कल कई सारे स्टेटस देखने को मिले हैं जो कि आप लोगों ने सेंड किए थे, तो यहाँ पे सबसे पहले इनका जो स्टेटस है जो कि कल ही इन्होंने भेजा था, अभी तक जो उनके फॉर्म है वो डिस्ट्रिक्ट में पेंडिंग ही रखा गया, अभी तक इनके फॉर्म को वेरीफाइड नहीं किया गया। साथ ही इनका जो फॉर्म है वो वेरीफाइड हो चुका है, और स्कॉलरशिप कब तक आएगी, चाहे आप लोग के फॉर्म नवंबर में वेरीफाइड हुए हों, दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, फिर आप लोग के जो फॉर्म है वो अपडेट किए जा रहे हैं, तो आखिर आप लोग के पैसे कब आएंगे इसको लेकर सारी बातें भी आप लोग को आगे बताते हैं। पहले आप लोग स्टेटस चेक करके देख लें, इसके बाद से अभी तक इनके फॉर्म में जो समस्या है वो देखने को मिल रहा है। बैंक वेरीफाइड कर दिया गया, लेकिन यहाँ पे जो अटेंडेंस को लेकर समस्या है वो अभी भी देखने को मिल रहा है। साथ ही अगर आप लोग के रोल नंबर नहीं मैच हो रहे हैं, या फिर आप लोग के पैसे भेज दिए गए यहाँ, और यहाँ पे इस वक्त चूंकि काफी बड़ी समस्या देखने को मिल रहा है कि पैसे स्कॉलरशिप कमेटी की ओर से भेज दिया जा रहा है, लेकिन आप लोग के जो ट्रांजेक्शन फॉल्ट करके इस तरह का एक स्टेटस आप लोग को देखने को मिलता होगा, जहाँ पे इसके लिए क्या सोल्यूशन है, कई सारे छात्रों ने अपनी स्टेटस को सेंड किया टेलीग्राम पे, और आप लोग की जो समस्या वो देखने को मिल रहा है। कमेंट करके भी आप लोगों ने बताया, यूट्यूब पे भी कई सारे कमेंट थे कि आप लोग के जो पैसे हैं वो आधार बेस अकाउंट में भेजे जा रहे हैं, लेकिन आप लोग के पैसे आप लोग के बैंक तक नहीं पहुंच रहे हैं, ट्रांजेक्शन फेल्ड हो रहा है, तो यहाँ पे आप लोग के फिर पैसे आएंगे या नहीं आएंगे इसको लेके क्या बातें समाज कल्याण विभाग की ओर से कही गई हैं। तो जैसा कि आज आप लोग को पता है कि यूपी की इलेक्शन, अगले 5 साल की सत्ता किसके हाथों में होगी, इसको लेके जो रिजल्ट है वो आज जारी किया जा रहा है, लगभग जो स्थिति है वो साफ होते नजर आ रही है। तो यहाँ पे आप लोग की छात्रवृत्ति को लेकर भी न्यूज़पेपर में सारी बातें आई थी कि इलेक्शन की वजह से आप लोग के स्कॉलरशिप के जो काम थे वो भी काफ़ी धीमे रफ्तार से हो रहे थे, चुनाव प्रक्रिया में जितने भी स्टाफ थे उन्हें लगा दिया गया था, और आप लोग की छात्रवृत्ति जो थी उनके काम धीमे पड़ गए थे। तो फिलहाल इलेक्शन खत्म हो चुका, आज रिजल्ट आ रहा है, और आप लोग की छात्रवृत्ति के काम जो हैं वो काफ़ी तेज़ी से किए जा रहे हैं। साथ ही जैसा कि हमने आप लोग को कहा था कि जिनके भी फॉर्म अभी तक डिस्ट्रिक्ट में पेंडिंग है, या फिर आप लोग के फॉर्म वेरीफाइड हो चुके हैं नवंबर दिसंबर में और आप लोग के पैसे नहीं आए हैं, तो आप लोग 1076 पे कॉल कर सकते हैं, वहाँ पे अपने एप्लीकेशन दे सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो शिकायत था वो किया गया, और समाज कल्याण विभाग की ओर से जो बातें बताई गई कि नियमानुसार 20 मार्च 2022 तक डाटा लॉक किया जाना है, नियमानुसार धनराशि 25 मार्च 2022 से प्रेषित की जानी है, छात्रों द्वारा स्टूडेंट लॉगिन पर करंट स्टेटस देखा जा सकता है। तो यहाँ पे जो बातें हैं वो बताई गई कि इनका जो फॉर्म था वो वेरीफाइड हो चुका था, नवंबर में ही जो फॉर्म है वो वेरीफाइड हो चुका है, लेकिन अभी तक जो पैसे हैं वो नहीं भेजे गए, और इसी को लेकर इन्होंने 1076 पे शिकायत किया था। तो यहाँ पे जो इनकी शिकायत की स्थिति है वो बताई जा रही है कि आंशिक रूप से यहाँ पे ये जो सारी बातें हैं वो समाज कल्याण विभाग की ओर से कही गई हैं। तो जिनके भी फॉर्म अभी तक वेरीफाइड नहीं हुए, या फिर आप लोग के फॉर्म डिस्ट्रिक्ट से पेंडिंग है, कोई भी समस्या आप लोग को देखने को मिल रहा है, तो 20 मार्च तक आप लोग के जो अंतिम रूप से जो स्टेटस है वो लॉक किया जाएगा, आप लोग के फॉर्म वेरीफाइड हो जाएंगे, और साथ ही 25 मार्च से पहले आप लोग के पैसे भेज दिए जाएंगे, चाहे आप लोग के फॉर्म नवंबर में वेरीफाइड हुए हों, दिसंबर, जनवरी, फरवरी या फिर मार्च में अभी जो फॉर्म वेरीफाइड किए जा रहे हैं, तो आप लोग के जो पैसे होंगे वो 25 मार्च तक आ जाएंगे। खुद यहाँ पे समाज कल्याण विभाग की ओर से बातें कही गई हैं। तो आप लोगों ने अभी तक जो इतना इंतजार किया, थोड़ा सा और आप लोग 10-15 दिन का इंतजार कर लीजिए, आप लोग के पैसे आप लोग के बैंक खाते में आ जाएंगे। और जिनके भी पैसे स्कॉलरशिप के आ गए थे लेकिन आप लोग का ट्रांजेक्शन फेल्ड हुआ, तो भी आप लोग को परेशान नहीं होना है। 20 मार्च के बाद जब बाकी छात्राओं के पैसे जो की तीसरी किस्त की भेजी जाएगी, तो फिर से आप लोग के जो पैसे हैं वो आप लोग के बैंक में भेज दिए जाएंगे, आप लोग के बैंक खाते में क्रेडिट हो जाएगा, तो उसको लेके भी आप लोग को ज्यादा परेशान नहीं होना है। तो यहाँ पे यूपी स्कॉलरशिप को लेकर आप लोग के मन में कई सारे जो सवाल चल रहे होंगे, उन सवालों के जवाब देने की हमने कोशिश की है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें।